खंडवा जिले की सबसे बड़ी श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, जहां आप पाएंगे सभी प्रकार के फलदार फूलदार साज सज्जा, इंडोर आउटडोर औषधि पौधे, सभी प्रकार के खूबसूरत पाम ट्री, सब्जी पौधों की विस्तृत श्रृंखला, नवविकसित कॉलोनियों के गार्डन प्लानिंग और डेवलपमेंट का कार्य, खेतों में फलदार पौधों के बगीचे लगाने हेतु संपर्क करें श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, भंडारी पब्लिक स्कूल व सोनी गोडाउन के पास। मध्य प्रदेश के खंडवा में शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है। आज 29 केस आए। योगेश शर्मा जो महामारी विशेषज्ञ हैं खंडवा के, उन्होंने बताया कि आज 29 केस आने से आंकड़ा 87 यानी 87 पहुंच गया है होम आइसोलेशन वालों का। जो आज केस आए हैं उनमें मेडिकल कॉलेज परिसर के दो आए हैं, यानी दो डॉक्टर और पॉजिटिव हो गए। सोनगिर गांव का एक आया, रामेश्वर नगर का एक आया, गणेश तलाई के तीन पॉजिटिव आए हैं, लक्ष्मी नगर के दो, दादाजी वार्ड का एक, नवचंडी मंदिर क्षेत्र में एक, आनंद नगर में एक और जीआरपी थाने के दो पुलिस वाले भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। तुलसी विहार का एक, सिंधी कॉलोनी का एक, एमआईजी किशोर नगर के दो, सिहाड़ा गांव का एक, छेगांव देवी गांव का एक, सर्वोदय कॉलोनी का एक, तलवड़िया गांव का एक, हनुमान नगर का एक, शनि मंदिर का एक, दीनदयालपुरम का एक, चिरा खदान टेकड़ी का एक, रविंद्र नगर का एक, शास्त्री नगर का एक और रामगंज मोहल्ले का एक। इस प्रकार से कुल 29 केस आज पॉजिटिव आए हैं। इसलिए अब करना क्या है, आप सबको पता है, मास्क लगाकर घूमो। 5 से 10 रुपये वाला मास्क बढ़िया है, वो लगाकर घूमें और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। बस अपना ध्यान रखें, भीड़ भाड़ में ज़रूरी ना हो तो ना जाएं। इस समय वैसे खंडवा में एक कहावत और चर्चा खूब चल रही है कि घर घर है बुखार, कोरोना का है प्रहार। इस समय वैसे ही बुखार खांसी सर्दी बहुत रहता है, ऐसे में कोरोना के केसेस और बढ़ने की संभावना है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे समय में मार्केट में खूब अफवाह फैलती हैं, आपको अफवाह पर ध्यान नहीं देना है। मार्केट कब बंद होगा, कब खुलेगा, लॉकडाउन लगेगा कि नहीं लगेगा, इसके संबंध में हम आपको समय समय पर अपडेट करते रहते हैं। और कोई भी ऑथेंटिक निर्णय स्थानीय क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक लेगी, वो भी हम अब आपको कलेक्टर की मुँह जबानी सुनवाएंगे। इसलिए आप बिल्कुल भी अफवाहों पर ध्यान ना दें और अपना ध्यान रखें, पुराने कोरोना के जो नियम हैं उनका पालन करना शुरू कर दें। 10 रुपये का मास्क इसलिए लगाएं ताकि 100-200 रुपये का फाइन आपको ना भरना पड़े और बीमारी से भी आप बचे रहें।